अभिषेक बच्चन को हम उनकी को स्टार्स यानी कंगना रनौत और सेरा जेन के साथ इंडिया के 5 बड़े शहरों में अपनी गेम को प्रमोट करते हुए देखेंगे और प्रमोशन के दौरान ऑडियंस के साथ गेम खेला जाएगा और विनर्स को दुबई में होने वाले इस फिल्म के प्रीमियर को अटेंड करने का मौका मिलेगा। इस अगस्त में अर्जुन रामपाल बॉलीवुड में अपना 10 साल पूरा करेंगे और इस बात से अर्जुन काफी खुश और सेटिस्फाइड हैं। इन 10 सालों में अर्जुन ने काफी हाईज एंड लोज देखे हैं और उन्होंने अपनी फिल्म रॉक ऑन के लिए नेशनल अवार्ड भी जीत लिया। अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म गेम में कई एक्शन स्टंट्स परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और कहा जाता है कि अभिषेक इन स्टंट्स को करने के लिए इतने एक्साइटेड रहते थे कि बॉडी डबल के होने के बावजूद वो इन्हें खुद करने पर अड़े रहते। श्रेयस तलपदे को हम टेलीविजन पर अपना डेब्यू करते हुए देखेंगे एक कॉमेडी शो के जज बनकर और इस शो पर उनका साथ देंगे अरशद वारसी, रवीना टंडन और शेखर सुमन और कहा जाता है कि इस शो के लिए श्रेयस ओवरटाइम भी करते हैं। भले ही अदिति राव ने ये साली जिंदगी में ब्लिंक एंड मिस रोल किया हो लेकिन फिर भी अदिति ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने में काफी कामयाब रही और अब अदिति को हम देख पाएंगे रणबीर कपूर स्टारर रॉक स्टार में और इस फिल्म को लेकर अदिति है काफी एक्साइटेड। तनु वेड्स मनु के प्रमोशन के लिए कई फैंस की शादी अटेंड करने के बाद अब कंगना खुद वेडिंग प्लानर बनने की सोच रही है। नो, शी डजंट वांट टू चेंज हर प्रोफेशन। वो तो अपनी छोटी बहन रंगोली की शादी के लिए ये पदवी संभालेंगी। आफ्टर ऑल वो इस स्पेशल शादी की सारी अरेंजमेंट्स जो देख रही है। ऋतिक रोशन रणबीर कपूर से काफी नाराज है। सुनने में तो यही आ रहा है क्योंकि कहा जाता है कि रणबीर हर जगह ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऋतिक को एक बाइक ब्रांड की एंडोर्समेंट में रिप्लेस किया है, जबकि ऋतिक अभी इस ब्रांड के साथ जुड़े हैं और रणबीर एक नए प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल पॉप स्टार शकीरा अब शाहरुख के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगी, वो भी इनकी क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के म्यूजिक वीडियो में। द मोस्ट टॉक्ड अबाउट आइटम नंबर दम मारो दम के लॉन्च में फिल्म की पूरी कास्ट प्रेजेंट थी, बस आइटम गर्ल को छोड़कर, वी मीन दीपिका पादुकोण, जो थाईलैंड में अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने गई थी। सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने कमल हासन के साथ बाइलिंगुअल फिल्म साइन की है, इनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस फिल्म में लव मेकिंग सीन करते हुए नजर आएंगी, मगर अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में सोनाक्षी ने इस बात से साफ मना किया। सलमान खान को जैसे ही मुंबई के बांद्रा इलाके में लगी आग के बारे में पता चला, वैसे ही उन्होंने अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिए वहां के लोगों की मदद की, जिसे देख सलमान के फैंस इन्हें और पसंद करने लगे। वैसे सलमान ने अपने इस चैरिटी जेस्चर को छुपा के रखने की काफी कोशिश की थी। अजय देवगन अपनी अगली फिल्म तेज में एक स्मार्ट क्लासी लुक में नजर आएंगे और इतना ही नहीं, इनकी इस फिल्म में अजय एक नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का सो कॉल्ड लव अफेयर खत्म हो गया है और सुनने में आ रहा है कि कैट्स ने रणबीर के साथ ब्रेकअप कर लिया, इनसिक्योरिटी और लॉयल्टी इश्यूज को लेकर। वैसे रणबीर को आए दिन इनकी नई को स्टार नरगिस फाखरी के साथ भी लिंक किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि लो प्रोफाइल रखने वाले अभय देओल ने एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी यूके बेस्ड गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई के साथ सगाई कर ली है, जिसे सिर्फ इनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने ही अटेंड किया। बॉलीवुड की चीची यानी गोविंदा के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो अब बड़े पर्दे पर ट्राई कर करके थक गए हैं और छोटे पर्दे पर दोबारा अपीयर होना चाहते हैं। तभी तो इन्होंने एक चैनल को खुद कॉल करके कॉमेडी का कैप्टन यानी जज बनने की बात की, पर काफी लेट हो गई थी और इनकी इस रिक्वेस्ट को चैनल को ना चाहते हुए रिजेक्ट करना पड़ा। गोविंदा की अगली फिल्म नॉटी एट 40 की रिलीज रुकी हुई है कुछ लीगल इश्यूज की वजह से, जो मॉनेटरी इश्यूज की वजह से फाइल किए गए हैं। जगन्नाथपुरी की फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप के मुहूर्त में फिल्म की कास्ट बिग बी, हेमा मालिनी, रवीना टंडन, सोनू सूद, सोनल चौहान के साथ साथ स्पेशल गेस्ट अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद थे।
अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की अगली फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल लखनऊ में शूट की जाएगी। वैसे इससे पहले इनकी फिल्म को दिल्ली में शूट किया गया था। 70s की फिल्म सत्ते पे सत्ता की रीमेक की कास्टिंग फाइनल हो गई है और इस फिल्म में संजय दत्त के साथ नजर आएंगे अरशद वारसी, श्रेयस तरपड़े, शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, दीपक डोबरियाल, रजत बामेचा, बिपाशा बासु, मिनीषा लांबा, रिनी सेन, सोनल चौहान, अंजना सुखानी, नेहा शर्मा, सेलिना जेटली और विद्या बालन। टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो इनकी फिल्म रेडी से डायरेक्टर अनीस बाजमी ने वॉकआउट कर दिया क्योंकि अनीस और सलमान के बीच काफी अनबन हो गई। और अब सलमान के भाई अरबाज खान दबंग के सीक्वल के राइट्स भूषण कुमार को बेचने के मूड में नहीं है क्योंकि दबंग के म्यूजिक से टी सीरीज ने जितनी बड़ी कमाई की उसका महज छोटा सा हिस्सा ही अरबाज खान को मिला। देखते हैं भूषण कुमार की ये परेशानी खत्म हो पाती है या नहीं। सोनाक्षी सिन्हा की साउथ इंडियन फिल्म में उनके को स्टार होंगे कमला हासन और दोनों के बीच लगभग 33 साल का एज डिफरेंस है, लेकिन सोनाक्षी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज शी लुक्स कन्विंसिंग ऑन स्क्रीन। इस फिल्म में सोनाक्षी कमल की वाइफ का किरदार निभाएंगी। डीनो मोरिया हाई फीवर की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, लेकिन फिर भी डीनो ने एक इवेंट में अपनी शिरकत की क्योंकि उन्होंने कमिट किया था। इस इवेंट को अटेंड करने के साथ साथ उन्होंने इसे होस्ट भी किया। वेटरन एक्टर राज बब्बर के बेटे आर्या बब्बर को हम 26/11 टेररिस्ट अजमल कसब का रोल निभाते हुए देखेंगे उनकी अगली फिल्म कुछ लोग में, और इस रोल के लिए आर्या ने कसब पर लिखी बुक पढ़ ली है। अशफाक मकरानी की फिल्म कसम से में बॉलीवुड की इन फेमस आइटम गर्ल राखी सावंत एक सेक्स टीचर का रोल प्ले करेगी। लगता है रणबीर कपूर अपनी फिल्म रॉकस्टार की को स्टार नरगिस फाखरी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हुए हैं और इसीलिए वो नरगिस का नाम अपने प्रोड्यूसर फ्रेंड्स को रेकमेंड कर रहे हैं। और रिसेंटली रणबीर ने साजिद नडियाडवाला को उनकी फिल्म हीर रांझा में शाहिद कपूर के ऑपोजिट नरगिस को कास्ट करने की बात की। प्रियंका चोपड़ा अपने बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर की बर्थडे पार्टी में नजर नहीं आई थी और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि शाहिद ने प्रियंका के लाख मना करने पर भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड करीना कपूर और प्रियंका की राइवल दीपिका पादुकोण को इनवाइट किया, जिस वजह से प्रियंका शाहिद से काफी नाराज हुई थी। अमिताभ बच्चन अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप की शूटिंग मार्च 23 से शुरू करेंगे, जिसके लिए उन्हें अपने सारे स्टंट्स खुद ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें बिग बी के 70s के एंग्री यंग मैन इमेज की झलक देखने को मिलेगी। से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जरीन खान एक आर्ट लवर है। इस बात का पता तब चला जब जरीन को हमने एक आर्ट एक्सिबिशन में देखा। यहाँ आकर जरीन इन पेंटिंग्स को बड़ी बारीकी से परख रही थी। खबरें आ रही थी कि अभिनव कश्यप शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सलमान खान स्टारर दबंग 2 को डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन अभिनव की माने तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं। रिसेंटली बिपाशा बासु के साथ हुए मोलेस्टेशन इंसिडेंट के बाद करीना कपूर ने वुमेन सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन ज्वाइन कर लिया है और करीना को लगता है कि इस मुहिम में जुड़ने से और कई औरतें इस प्रॉब्लम के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगी। तुषार कपूर को हम द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ कुछ हॉट लव मेकिंग सीन्स करते हुए देख पाएंगे और अपने इनहिबिशंस को दूर करने के लिए तुषार इन दिनों कई वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि कंगना रनौत के संजय और मान्यता दत्त के साथ बढ़ती दोस्ती को देखकर दत्त की कॉमन फ्रेंड अमीषा पटेल काफी जेलस फील कर रही थी। अमीषा की माने तो कंगना ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। शी सेड, आई कांट हेल्प इट इफ पीपल यूज चीप पब्लिसिटी स्टंट्स टू बी इन द न्यूज़। आई कांट बी कॉट इन दैट वेब। को स्टार्स कैन कम एंड गो, संजू एंड माना विल ऑलवेज बी फैमिली।
लेजेंडरी एक्टर कपल ऋषि कपूर और नीतू सिंह की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म दो दुनी चार को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया जाएगा एंड दिस फिल्म विल ओपन द फेस्टिवल। और ऋतुपर्ण घोष की फिल्म नौका डूबी के प्रीमियर के साथ ये फेस्टिवल खत्म होगा। कहा जाता है कि रणबीर कपूर और संजय दत्त की दोस्ती इन दिनों इस हद तक बढ़ गई है कि रणबीर अपना ज्यादातर वक्त संजय के घर में बिताते हैं। इतना ही नहीं, रणबीर तो संजय का पर्सनल जिम भी इस्तेमाल करते हैं। भले ही कटरीना कैफ अभिषेक बच्चन के साथ किसी फिल्म में नजर ना आए, लेकिन ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे एक मशहूर म्यूजिकल अवार्ड्स नाइट में, जहां कटरीना और अभिषेक अपने फेमस डांस नंबर्स पर परफॉर्म करेंगे। प्रतीक बब्बर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि वो अभिषेक बच्चन को अपना बड़ा भाई मानते हैं। इस बात पर प्रतीक के स्टेप ब्रदर आर्य बब्बर काफी नाराज हुए। आर्य की माने तो ये सब प्रतीक सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहे हैं। वीर से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जरीन खान अब अपने मेंटोर सलमान खान के साथ फिर एक बार स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी सलमान असिन स्टारर रेडी में, जहां जरीन एक ग्लैमरस डांस नंबर करती हुई दिखाई देंगी। दो साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद कहा जा रहा है कि डीनो मोरिया और डिजाइनर नंदिता महतानी बहुत ही जल्द अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है। ये खबर अब कंफर्म्ड है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अब मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में लीड रोल करेंगी, जो कि हॉलीवुड डीवा मैरिलिन मॉनरो की लाइफ पर बेस्ड होगी। वैसे सबसे पहले इस रोल के लिए करीना कपूर को अप्रोच किया गया था और करीना के इनकार करने के बाद इस रोल के लिए ऐश्वर्या और कटरीना कैफ को कंसिडर किया जा रहा था। जॉन अब्राहम अपनी एक्शन फिल्म फोर्स के लिए एक स्टंट सीन की शूटिंग कर रहे थे, वेयर ही वाज सपोज्ड टू जंप फ्रॉम वन मूविंग ट्रेन टू अनदर, लेकिन जॉन ने अपना बैलेंस खोया और वो गिर गए और खुद को इंजर कर बैठे।